जय माता दी। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आप भी कटरा मार्केट से कश्मीरी आइटम्स जैसे कि शॉल, सूट, साड़ी, गाउन, नेहरू जैकेट्स वगैरह कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट शॉप है वासु ड्राई फ्रूट्स एंड एम्पोरियम। यहाँ पर आपको सभी ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाते हैं और आप कश्मीरी आइटम्स भी ले सकते हैं। तो चलते हैं, भैया से पूरी जानकारी लेते हैं। तो ये रहे हमारे भैया जी, स्माइल करते हुए। भैया जी, क्या हाल है? जय माता दी भैया जी। तो भैया जी, आइए आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे। और तो गाइस, ये हमारे भैया बैठे हैं। और आपकी शॉप ये किस लोकेशन पे है भैया? ये हमारा मेन चौक में है, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है ऐसे ये कटरा का मेन चौक है। हमारा चौक बोलते हैं इसको, फाउंटेन चौक बोला जाता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में मेन कटरा का मेन स्थान है। अच्छा, माता वैष्णो देवी का। हाँ, यहाँ से यात्रा पर्ची खोलकर जहाँ से यात्रा चलती है उसके सामने आपका अपोजिट साइड में है, सामने वासु जी ड्राई फ्रूट के नाम से है। हाँ, तो आप लोग जो है ड्राई फ्रूट्स भी सारे सेल करते हैं और आपके पास ये फ्रूट शॉल, सूट्स, अदर आइटम है, स्टॉल्स है, कश्मीरी जो आइटम समथिंग पर्स वगैरह है, ये हमारा ये बनता है जहाँ का, जम्मू कश्मीर का बनावट है। अच्छा जी। तो गाइस, हमने यहाँ से भैया के यहाँ से हमने काफी सामान लिया, काफी शॉपिंग करी। भैया ने रेट भी हमें एकदम बेस्ट रेट लगाए, हर चीज में हमें डिस्काउंट भी दिया। भैया, मतलब आपके पास में अगर कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है माता के दर्शन करने के लिए, फैमिली के लिए अपने ले जाना चाहता है ना, जम्मू कश्मीर में आके उसे कुछ यादगार ले जाना चाहता है, शॉपिंग करना चाहता है, सूट्स वगैरह, तो आपके पास में मतलब कौन कौन से आइटम अवेलेबल हो जाते हैं? हमारे पास कश्मीरी गाउन्स, कुर्ते, टॉप वगैरह, जैसे कि स्टॉल्स, सूट, शेरवानी, ये हमारी जम्मू कश्मीर की मेन आर्ट है, तैयार करते हैं कश्मीरी स्टॉल्स जो जिनके ऊपर पूरा कश्मीर का वर्क तैयार करते हैं। किसी कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होता कश्मीरी क्या चीज है। अच्छा, बट उसकी काफी तैयार करते हैं। अच्छा, हमारी काफी तैयार करते हैं। अच्छा, जो कश्मीर की मेन आर्ट है। हाँ, जैसे ये आपकी कला भी हमारे। हाँ, दिखाइए। हमने तो आपको बोला कश्मीरी का। हाँ जी, हाँ जी। बेस क्लाइंट्स को नहीं पता है। हाँ जी, कि हम क्या कश्मीरी कस्टमर को बेच रहे हैं। ठीक है, मगर जो लोग आपके शहर में भी जो जाते हैं लोग। हाँ, वो बेच देते हैं कश्मीरी, तिब्बतन लोग जाते हैं मैक्सिमम। अच्छा, तो वो बेच देते हैं, बोलते हैं कश्मीरी, लुधियाना काफी कर रहे हैं। अच्छा, कश्मीर की रियल चीज वो कश्मीर की नहीं बेची जाती। अच्छा, उससे हमारे इधर भी गुजराती रहते हैं। 100 रुपए का शाल ढूंढता है, ये 100 रुपए का शाल ढूंढेगा उसको हम क्या बेचेंगे? उसको डुप्लीकेट चीज बेचना पड़ेगी, मजबूर होगी। अच्छा, अदरवाइज जो मेन जो आर्ट है। हाँ जी, हैंडलूम स्टिच है। अच्छा, यहाँ पे क्या है सर, ये जो चिनार का जो बेस पॉइंट दिख रहा है, ये हमारे चीना है। अच्छा, हमारे जम्मू कश्मीर की चीने है। अच्छा, इसके बोर्ड से लेकर अब वुडन तक जो आइटम बनती है, चूड़ी बनती है जो कश्मीर की, लेडीज के झुमके वगैरह, मैक्सिमम ज्वेलरीज जो इसी चीज पर उतरता है। अच्छा, ये हमारा फोकस मेन डिजाइन है। अच्छा, ये कश्मीर का चिनार का पत्ता। हाँ, फर्स्ट डिजाइन। अच्छा, सेकंड डिजाइन इसमें आता है सर जी, ये प्योर है भैया? बिल्कुल बिल्कुल प्योर है जनाब। अच्छा, ये मेन आर्ट आती है, आरी बोलते हैं इसको कश्मीर में, आरी। अच्छा, ये प्योर बिल्कुल मतलब कश्मीरी आर्ट आपका ये शॉल हुआ ना, जैसे सेकंड ये वर्क आ गया इसके अंदर। हाँ, ये अलमोट। अच्छा, बादाम हम लोग खाते हैं कश्मीर का। अच्छा, ये कश्मीरी बादाम बोलते हैं। अच्छा अच्छा, उसी कलर में है इसलिए, उसी का एक सैंपल शो किया गया। अच्छा अच्छा, जैसे ये बादाम आ गया अलमोट। हाँ, हाँ, इसको हम लोग अलमोट कहते हैं। अच्छा, ये कश्मीर का ये सेकंड निशान आ गया। अच्छा, तीसरा आता है लोटस। अच्छा, गुलाब का फूल आता है, थर्ड जो मेन सैंपल्स है। हाँ, वो तीन चीजों का हमारा ये चीनी है, मुगल बादशाह का आर्ट बिकता है जम्मू कश्मीर। अच्छा अच्छा, वो लोग के लिए टाइम की ये कला बिकती है, आज तक ये परंपरा रही है। अच्छा, 100 साल से ये कला चल रही है। अच्छा, हम भी गुजर जाएंगे मगर ये कला वैसे की वैसी रहेगी। हाँ, तब भी चलेगी। अच्छा, मगर उससे क्या है, डिजाइन चेंज करेगा, हमारा जो आर्टिस्ट है उस चीज को चेंज करेगा। अच्छा, ना कि उसको कला को खत्म करेगा। अच्छा अच्छा, बनाएगा, उभारेगा। अच्छा, जितना मार्केट में जाएगा। हाँ, उतना क्लाइंट्स को बताएगा। हाँ, उसकी कॉपी बिकती है। अच्छा, ओरिजिनल कम बिकता है। अच्छा, ओरिजिनल पे कस्टमर यकीन नहीं करता, पैसा नहीं लगाता। हाँ, हम वो चीज बेचना चाहते हैं, हमारा मन करता है उसको बेचे। अच्छा, अगर कस्टमर पैसा नहीं अफोर्ड करता, जैसे कि ये गोन्स डाली है। अच्छा, कुछ इसकी काफी डाली है। अच्छा, ये हमारी गोन्स है कश्मीरी। अच्छा, गाउन है कश्मीरी मेन गोन्स, कश्मीरी गाउन, ये लॉन्ग होता है ना, बिल्कुल एकदम लेडीज गाउन। हमारा मन करता है कश्मीरी बेचे। हाँ, महंगा कस्टमर उठाता नहीं। हाँ, अगर वो चीज 600 की आएगी। अच्छा, कश्मीरी। हाँ,
तो लुधियाना 300 में 200 में तैयार करिएगा। अच्छा, तो हम डर के हमारे कहाँ बेचेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप उधर अफोर्ड नहीं करेंगे, यात्रा अफोर्ड नहीं करेंगे। हाँ, यात्रा बोले कि मुझे यार तो 300 का मिल रहा है, 600 का, 700 की कैसे चीज बेचेंगे? बिल्कुल, मतलब आपके पास में मतलब अगर कोई कस्टमर आता है तो वो मतलब अपने वहाँ पे कोई कश्मीर की मतलब जम्मू की कोई ऐसी चीज लेना चाहता है कि मतलब यादगार, तो कौन कौन सी वैरायटीज आपके पास अवेलेबल हो जाती है? ये हमारी कश्मीर की मेन कला है, ये हमारी कश्मीर के वासी लोग बेचते हैं। अच्छा, हमारी मेन आटा है। अच्छा, ये स्वीट्स लग रहे हैं, ये कश्मीर का सबसे ज्यादा बिकता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। इसका क्या रेंज है इनके परसों के? ये 200 अबव होगा मैम, ये चीजें हमारी कश्मीर की, ये बेचते हैं हमारी। अच्छा अच्छा, मगर हमें आ जाके खर्चा डाल के ये चीजें इस रेंज के अलग पड़ती है। अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है भैया इसका डिजाइन। यहाँ पे होता है हमारी कश्मीरी भाई लोग तैयार करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम इससे भी बढ़िया आती है, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बढ़िया बढ़िया पर्सेस आते हैं, जैसे ये लेदर पे बनाते हैं, इसी चीज पे हमारा कश्मीर अच्छा करता है, हमारा यही काम कश्मीरी काफी अच्छी है। यहाँ की मेन आर्ट है, यही कला है। ये देखो आपके सामने चिनार का पत्ता बोला, तो चिनार का पत्ता आया आपके सामने, फूल पत्तियाँ ये कश्मीर की तैयार करते हैं, कई बार नहीं मिलेगा ये चीज़। ये जेने ही जम्मू कश्मीर, मतलब ये जो आर्ट है इसी का मतलब जो है कि फेमस है, फेमस है। और इसमें जिप देखो, जिप कोई डुप्लीकेट नहीं है, आजकल के 100 रुपए का पर्स लेते उसमें जिप की मजबूती नहीं होती है, इसे आप जैसे मर्जी तोड़ो मरोड़ो, जैसे मर्जी करो उसको, इसमें यही ताकत है, यही चीज़ों में। इसके अंदर देखिए कपड़ा कैसे लगाया, कपड़े में भी मजबूती है, अली बोल जी हल्की नहीं है, कुछ काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। इसके अंदर जो मजबूती डाली है वो चीज, बेशक इंसान को दुख नहीं होता है कि अगर 2 रुपए लगे ना कस्टमर के, तो उसको पता है कि ओरिजिनल मिल रहा है, तो उसको दुख नहीं फील होता है कि ये लगता है कि ये महंगा है, महंगा नहीं है, ये सस्ता है, मगर उसको 2 पैसा दुकानदार का भी रेटेड बनता है। मगर बात किया कि ओरिजिनल बेचते दुख नहीं होता यात्री को, हाँ जी, ये सही क्लाइंट है, उसको फील नहीं होता कि मैंने 200 रुपए की चीज ली, तब फील होता है, जब आपको उसको बेकार चीज मिले फिर उसका फील होता है यार मैंने गलत चीज ली। सही बात है, क्योंकि यहाँ से अब वो दोबारा कस्टमर वापसी तो आपके पास में आ नहीं सकता इतनी दूर से, पता है इतने दूर से कहाँ से आएगा। हमें पता है, मेरे पास परमानेंट क्लाइंट्स आते हैं, मैं अच्छी चीज देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, मुझे पता है कि मैं अच्छी चीज दूंगा, ये दोबारा आएगा, वो अपने लालच के चक्कर में आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आप सामान देंगे और चीज अच्छी देंगे, हमारी मेरी पास 90% कोशिश क्या है, कम से कम चीज प्रोवाइड करूँ। हाँ, वो क्लाइंट्स उतना क्लाइंट्स आता है हमारे पास, गुजरात मुंबई महाराष्ट्र से। तो भैया ये भी बता दीजिए आपकी, हमने आपसे कितनी शॉपिंग करी, कितने हमारे पास सर, हमारे पास क्लाइंट्स ने ये जो, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना, वैसे इन चीजों का मतलब कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछने का रीजन ये है कि इतनी हमने आपसे शॉपिंग करी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि हमने आपके शॉप से लिया। ये हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं, हमारे पास 13,000 के अबव शॉपिंग की। हाँ जी, तो हमने इनको जो आइटम दिए प्रोवाइड किया कश्मीर का मेन आइटम, जैसे टॉप हो गए, जैसे शॉल हो गए, स्टॉल हो गए, ये ऐसी सी आइटम्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिसमें भैया ने हमें शॉल दिए, यहाँ के कश्मीरी शॉल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए, स्टॉल दिए, और सूट्स यहाँ पे लिए हमने भैया से, है ना, और जो हाफ वो बास्केट से थे, बास्केट भी हमारे इधर बनता है। देखो कश्मीर की मेन जो वो क्या हुआ, मतलब क्या बोलते हैं उसे यहाँ पे, नेहरू जैकेट्स बोलते हैं हमारी कश्मीर में, ये नेहरू जी पहनते थे। अच्छा, टाइम का ये जैकेट्स बनाया गया। अच्छा, नेहरू जैकेट हुआ वो, आज के लोग मोदी जैकेट जी के, मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर उनकी काफी क्या की है। हाँ हाँ हाँ, बाकी गाइस आप देख लीजिए और भैया को अच्छे से पहचान लीजिए, ये वासु ड्राई फ्रूट्स एंड एम्पोरियम शॉप में यहाँ पे मिलेंगे आपको, जहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन होता है माता के दर्शन करने के लिए, उसके बिल्कुल मेन चौराहे में अपोजिट साइड में भैया बैठे रहते हैं, और बिल्कुल रेट भी आपको जेन्युइन रेट लगा देते हैं और अच्छा अच्छा आइटम आपको दिखा दें, तो आपको मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा क्लाइंट्स हैं, मां महावती उनको बुलाए, मां रानी के चरणों में लाखों श्रद्धालु हर साल इधर आते हैं, मां रानी उनको लाती है, हमारी इतनी बड़ी पावर नहीं है, मां भगवती की पावर है, बुलाने वाली बैठी है। गाइज हम यही रिकमेंड करेंगे कि भैया से मिलिए, और भैया का नाम है सोहन लाल, और आपको भैया शॉप में अवेलेबल हमेशा रहते हैं, मतलब आप किसी दिन शॉप क्लोज भी होती है किसी दिन वीक में? सर हमारी शॉप सुबह 7:30 से 7:30 खुलती है। हाँ जी, और शाम को 10-11 बजे के अलग बंद हो जाती है। हाँ जी, बस भैया आपसे यही कहना चाहेंगे कि और कस्टमर भी कोई आता है तो आप बिल्कुल मतलब उनको भी, है ना, पूरा हेल्प कीजिए और अच्छा प्रोडक्ट दीजिए। हम आज अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे, उनकी अच्छी सुविधा देंगे। हम ये चाहते हैं कि कस्टमर एक हमारे लिए भगवान है, भगवान की तरह हमारा पूजना हमारा फर्ज है। ठीक है, जय माता, ठीक है भैया, तो जय माता दी भैया जी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी माता वैष्णो देवी यात्रा के पहले के पार्ट
नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें पार्ट वन और पार्ट टू। आप माता के दर्शन के लिए यात्रा पर आने की सोच रहे हैं तो हमारी वीडियोस को देखने पर काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी और आपकी यात्रा आसान हो जाएगी।